नमस्कार। बुलियन वीकली आउटलुक में आज हम देखेंगे पिछले एक हफ्ते में बुलियन में क्या व्यू रहा। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो सोने और चांदी में दोनों में हमने तेजी आती हुई देखी, जहां गोल्ड में करीबन 1.5% की तेजी और चांदी में 1.25% की तेजी बनते हुए दिखाई दी। पिछले हफ्ते हमने देखा कि मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। उससे पहले हमने देखा फेड ने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की, उसके बाद सोने और चांदी में बेतहाशा बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी। बट पिछले हफ्ते से ही हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में $1,750 का लेवल गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने लगभग 46,500 के अच्छा सपोर्ट मार्केट में बनता हुआ दिखाई दिया। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट थी, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया और अब हम करीबन 48,000 के करीब गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट पे ट्रेड कर रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा कि फेड के मिनट्स आने के बाद भी मार्केट 1800 का लेवल कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। जिस ढंग से इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर भी बढ़ा है, तो ये उम्मीद थी कि सोने और चांदी में इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट बॉन्ड यील्ड में जो गिरावट आई है, 4 महीने के लो पे पहुंच चुका है, जो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। साथ में अगर कंसर्न्स की बात करें, क्योंकि गोल्ड और डॉलर ये दोनों हैंड इन हैंड नहीं चलते हैं, अगर गोल्ड और डॉलर साथ में चल रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई कंसर्न्स है जो गोल्ड में और डॉलर में दोनों में तेजी रख रखा है। इससे पहले हमने देखा था कि जिस ढंग से बिटकॉइन में भी करेक्शन था, तो स्पेकुलेटिव मनी जो बोला जाता है, वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन से निकलकर गोल्ड में आता हुआ दिखाई दिया। साथ में कोरोना का जो नया कंसर्न है, वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसके चलते हमने काफी देशों में फिर से लॉकडाउन लौटता हुआ देखा है, जो कहीं ना कहीं गोल्ड को एज ए सेफ हेवन बाई एक सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स भी 9240-9250 के करीब ट्रेड कर रहा है। हो सकता है यहाँ से हम डॉलर इंडेक्स में और तेजी देख पाए, जो कहीं ना कहीं गोल्ड के अपसाइड को लिमिट भी करता है। टेक्निकली अगर 1800 का लेवल तोड़ के होल्ड कर चुका है ये, तो हमें लगता है अगले हफ्ते तक 1826 से 1832 तक का लेवल गोल्ड इंटरनेशनल में दिखा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें, तो रुपए में गिरावट के चलते गोल्ड को सपोर्ट मिला हुआ है। जब तक 47200 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 48200 का लेवल ब्रीच करने पे 48600 से 700 का लेवल हम गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में देख पाएंगे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में जिस ढंग से अब ओपन अप हो रहा है, कहीं ना कहीं डिमांड भी इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि जो डिस्काउंट्स है वो अप स्विंग होने लग गए हैं। साथ में अगर चांदी की बात करें, तो चांदी भी इंटरनेशनल के अंदर हमने देखा $26 का लेवल अच्छे से मेंटेन करके ट्रेड कर रही है। जब तक प्राइजेस 25-80 के ऊपर मेंटेन है, 26-80 से 27-20 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हमने देखा रुपए की गिरावट भी चांदी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है, बट 3 से 4 बार हमने देखा 70,000 के ऊपर चांदी बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही। जिस ढंग से बेस मेटल में हमने वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई दिखी है, ये कहीं ना कहीं चांदी का अपसाइड कैप कर रहा है। आई थिंक चांदी ये बड़े रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देगी, 68,000 से 71,000 के बीच में। बट इन ऑल अगले 1.5-2 महीने की अगर बात करें, तो डेफिनेटली सोने और चांदी दोनों को ही सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अदर डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमी रिवाइवल जरूर हो रही है, बट अभी भी कोरोना का जो कंसर्न बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो गोल्ड में हमें लगता है 47,500-49,400 के करीब मिले तो गोल्ड लेके चलना चाहिए। 47,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 48,400 से 500 तक का जंप गोल्ड में देखने मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें, तो 68,500 के करीब आने पे चांदी लेके चलिए, 67,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 70,300 का लेवल सस्टेन कर जाती है चांदी, तो हम डेफिनेटली करीबन 72,500 तक का भी लेवल देख पाएंगे। इन ऑल अगले हफ्ते के लिए सोने और चांदी पे बाय ऑन ड्रॉप, ये स्ट्रेटजी अपनाकर ट्रेड करना चाहिए। धन्यवाद।